हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेसन नंबर 10, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। राइट, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस कैन रन, जंप, फ्लाई और स्विम। आपने देखा होगा ना बेटा, जैसे जेब्रा, चीता, लायन, हम वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन हमारी टेबल, चेयर, ये नॉन लिविंग थिंग है, टॉयज, ये एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता। लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं वाटर से, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल से। और ह्यूमन बींग्स को भी फूड की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। आप लोग हेल्दी खाना खाओगे तभी तो बड़े होगे। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, डू नॉट नीड फूड, वाटर एंड सनलाइट, उनको फूड, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो ग्रो नहीं करते। लिविंग थिंग्स ग्रो, दे अंडरगो वेरियस चेंजेस ड्यूरिंग देयर ग्रोथ। लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट, पहले एक छोटा प्लांट होता है, फिर बाद में धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। इसी तरह हम, आप पहले सेकंड क्लास में थे, अब थर्ड क्लास में आ गए, थोड़े से बड़े हो गए, फिर आप फोर्थ क्लास में चले जाओगे तो आप बड़े हो रहे हो ना बेटा, यू आर ग्रोइंग, आप ग्रो कर रहे हो। लेकिन लिविंग थिंग्स नीड टू मूव, रिमूव वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज, प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो लिविंग थिंग्स होती है बेटा, जैसे हम लोग सुबह सुबह फ्रेश होते हैं, इसी तरह प्लांट्स, दे आल्सो रिमूव द वेस्ट फ्रॉम देमसेल्व्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग, एवरीथिंग, वो सबको अपनी बॉडी से वेस्ट रिमूव करना होता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स, दे डू नॉट रिमूव वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज। लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू चेंजेस इन देयर एनवायरमेंट सच एज हीट, प्रेशर और टच। वी फील हॉट इन समर, अ पिन प्रिक हर्ट्स अस एंड सम फ्लावर्स ब्लूम विद द वार्मथ ऑफ द सन। देखो बेटा, जैसे सर्दी आती है हम लोग स्वेटर्स पहन लेते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमें ठंड लगती है। गर्मी आती है, हम एसीज ऑन कर लेते हैं। क्यों एसी ऑन करते? क्योंकि हमें गर्मी लगती है। तो देखो, जैसे जैसे हमारा वेदर चेंज होता है, हम रिएक्ट करते हैं ना, हम उसको फील करते हैं। तो इसलिए लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू चेंजेस इन देयर एनवायरमेंट। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स, दे डू नॉट रिएक्ट। अब आपका टॉय है, चाहे उसको धूप में रख दो, चाहे उसको ठंड में रख दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है।